हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल रोज पिटल्स कुकिंग क्लासेस। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बट ये स्वीट रेसिपी है, नॉट सेवरी। दिस इज स्वीट रेसिपी और बहुत हेल्दी है, टेस्टी भी है और सीजनल भी है। तो आज मैं आपके साथ बथुआ की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बथुआ आप सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत हेल्दी है। विंटर्स में हम लोग बथुए का बहुत यूज़ करते हैं, बथुआ की पूड़ी बनाते हैं, बथुए की रायता बनाते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है हमको। तो क्यों ना मैंने सोचा कि हम बथुए की मिठाई भी बनाएं। बहुत हेल्दी है ये, आप देख सकते हैं, ये देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आपको ये ज़रूर पसंद आए कि जब भी आपका मीठा खाने का मन हो, इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर बनाएं आप और इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए। विंटर का सीज़न चल रहा है तो सीजनल मिठाई हम ज़रूर खाना चाहिए हमें। तो इसको बनाना हम शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपके नियर डियर भी रेसिपीज़ को देख पाएँ। अगर आपको पसंद आती है तो ही शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 150 ग्राम हमने बथुआ लिया है, जिसको कि मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको हमने पत्तियों को सुखा लिया है। अब देख सकते हैं बिल्कुल ये पत्तियाँ हमारी ड्राई हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें अंदर हमें ये बथुए को डालेंगे और हमें इसको विदाउट वाटर बॉईल करना है, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाएगा। लो फ्लेम पर ही हमें इसको ऐसे भूनेंगे जिससे कि सारा पानी इसका सूख जाएगा और ये थोड़ा बॉईल हो जाएगा अपने आप। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कि ये इवनली कुक हो जाएगा। जैसे जैसे ये कुक होगा इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होने लगेगी। अब देख सकते हैं हमारे बथुआ की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है, पूरा पानी इसका सूख चुका है। बहुत अच्छे से हमारा बथुआ बन चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी पैन के अंदर मैं 1 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ। मिठाई है तो घी में ही बनानी चाहिए, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें अपना ये बथुआ डाल देंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको, कुछ फ्लेवर डिफरेंट हो जाएगा आपका। इसको हमें घी में अच्छे से भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिससे कि पूरा इसका कच्चापन निकल जाएगा और ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं जैसे जैसे ये भून रहा है इसका कलर अपने आप चेंज होता जा रहा है। ये हमारा बथुआ अच्छे से भुन चुका है। ये मैंने 1/2 कप खोया लिया है, खोया भी घर का बना हुआ है हमारा ही, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बथुआ आजकल हमारे घर में सब जगह होता ही है, तो आप बस खोया लीजिए और फटाफट ये रेसिपी बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी और विंटर्स में सीजनल रेसिपी को इंजॉय करिए। खोया को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें चलाते रहेंगे इसको हम, और सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करना है, जिससे कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हमारी इवनली कुक हो जाएं। अब मैं इसमें 1/2 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर। अब देखेंगे लो फ्लेम पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो धीरे धीरे पकती है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए हमें इसको धीरे धीरे ही कुक करना है। अब मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है,
अगर आपके पास है तो आप इसको डाल सकते हैं, जिससे कि इसका कलर बहुत सुंदर आ जाएगा। ओनली फॉर वन ड्रॉप मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही खूबसूरत आ गया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे सारी चीज़ों को। आप देख सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी मिठाई बनने वाली है ये। अब मैं इसमें बादाम पिस्ता का फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फ्लेवर हो, मैं इसमें पिस्ता ऐड कर रही हूँ बिकॉज़ ये ग्रीन कलर है। इसमें ये बादाम भी ऐड करेंगे तो इसलिए बादाम पिस्ता का फ्लेवर इसमें बहुत ही टेस्टी आएगा, इसलिए मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से हमें भूनना है, जिससे कि सारी चीज़ें हमारी इवनली कुक हो जाएं। अब आती है ड्राई फ्रूट्स की बारी। मैं इस पे काजू और बादाम डाल रही हूँ, जिसको कि मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप इसमें चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, चिरौंजी भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। किशमिश भी डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको और आपके बच्चों को पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। हम देख सकते हैं मिक्सचर ने साइड छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, चीनी हमारी बहुत अच्छे से घुल चुकी है। बस आपने याद रखना है इसको हमें लो फ्लेम पर ही बनाना है। आप चाहें तो इसमें गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं, गुड़ से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको गुड़ पसंद है तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साइड से छोड़ दी हैं। अब एक टिन लिया है मैंने, जिसको कि मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये मिक्सचर को हम अपने टिन में निकाल लेंगे। अब इसको हम थोड़ा टैप करेंगे। आप ऊपर से भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। आप इसको ऊपर से बादाम से गार्निश कर सकते हैं। देखिए बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर की हमारी ये स्वीट बन के रेडी होने वाली है। बहुत पसंद आएगी आपको, आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए। इसको हम कट कर लेंगे अच्छे से। पीसेज आप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े बना सकते हैं। साइड में से इसको थोड़ा सा आप कोने से इसको ढीला करेंगे, जिससे कि ईजली निकल आएगी। देखिए हमारी मिठाई निकल गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, बहुत शाइन कर रहा है, बहुत ही टेस्टी है। आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सारे अपने हम बर्फी के पीसेस को अपने प्लेटर में अरेंज कर ले रहे हैं वन बाय वन। बस निकालते समय थोड़ा सा आप इसका शेप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ पीसना नहीं है हमें इसमें, बथुए को कुछ नहीं करना है, बस फटाफट वॉश करना है और हमारी फटाफट झटपट बनने वाली स्वीट हमारी रेडी हो जाएगी। तो आप इस स्वीट को एक बार ज़रूर एंजॉय करिए। लीजिए हमारी बथुआ की बर्फी बनके रेडी है। हमारी बथुआ की बर्फी बनके रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। जितना इसका कलर खूबसूरत है, ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपके नियर डियर भी इसको बना पाएँ और हेल्दी स्वीट को खा पाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।